दुनिया की तस्वीर तेजी से बदल रही है। कहीं ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो कहीं बाढ़ बारिश ने तबाही मचाई है। गर्मी पड़ती है तो ऐसी की बर्दाश्त ना हो, बारिश होती है तो ऐसी की कहना पड़ता है हे इंद्रदेव अब तो शांत हो जाइए। लेकिन ये इंद्रदेव की वजह से नहीं है बल्कि आपकी और हमारी वजह से हो रहा है। बिल्कुल सही, जिस तरह से इंसानी जरूरतों ने ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाई है उसका कुदरत बदला ले रही है और इससे ना सिर्फ तेजी से क्लाइमेट चेंज हो रहा है बल्कि सेहत के लिए खतरा कई गुना बढ़ गया है। कैलिफोर्निया में हुई एक ताजा स्टडी का मैं जिक्र कर देती हूं अमित। इस स्टडी के मुताबिक बेवक्त होने वाले इस जलवायु परिवर्तन से इंसान के दिमाग का साइज घट रहा है, छोटा हो रहा है, सोचने समझने की कैपेसिटी भी कम हो रही है। बाप रे बाप, आपने तो डरा दिया इस स्टडी से, तो मैं डर में आ गया है कि आखिर दिमाग अगर छोटा होता रहे तो फिर आगे क्या होगा। आप स्ट्रेस हो गया आप स्ट्रेस मत लीजिए, दोनों ही मत लो। ये हर किसी की जिंदगी का एक हिस्सा है। किसी को करियर का स्ट्रेस है, कोई हेल्थ को लेकर कॉन्शियस है, परेशान है, किसी पर जिम्मेदारियों का बोझ है, तो कोई फालतू का तनाव पाले हुए है। जबकि ये तनाव भी ब्रेन के लिए कम खतरनाक नहीं है। स्ट्रेस दिमाग की वायरिंग में गड़बड़ी पैदा करने के साथ साथ कई बीमारियों का खतरा भी बढ़ा देता है, इसलिए स्ट्रेस नहीं लेना है। वैसे मेंटल प्रेशर अगर लगातार बना रहे तो इसका असर कार्डियक सिस्टम में पड़ता है यानी कि हार्ट, और क्योंकि इससे ब्लड में जो एड्रेनालिन हार्मोन बढ़ता है जो धड़कन को और बीपी को बढ़ाता है और हार्ट अटैक का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। यही नहीं, लगातार अगर तनाव लिया जाए, स्ट्रेस हो, तो फिर घबराहट होने लगती है, बेचैनी होने लगती है, अस्थमा और पैनिक अटैक की वजह तो होती ही है, साथ ही साथ नींद का पैटर्न भी ये डिस्टर्ब कर देता है। इसका असर आपकी स्किन पर दिखाई देता है, वक्त से पहले इंसान बूढ़ा दिखने लगता है। अब सोचिए एक तनाव और इतने सारे रोग, फिर तो समझदारी यही है कि स्ट्रेस से दूर रहें, स्ट्रेस को बाय बाय कहें। लेकिन दिल और दिमाग को कैसे समझाएं कि स्ट्रेस से दूर रहना है? छोटा सा गाना है ना ज्योत्सना, जो दिल से लगे उसे कह दो हाय 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 हाय, तो दिल वहीं लगाएं जहां तनाव ना हो। और जहां दिल ना लगे उसे बाय बाय, और स्वामी जी को प्रणाम और स्वामी जी का स्वागत है। प्रणाम स्वामी जी, हमारा तो दिल यहीं सुबह शंख बजाने से और ये हवन करने से सभी प्रकार के जो अलग अलग पैथोजेंस हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस हैं, उनसे तो मुक्ति मिलती ही है। योग से, यज्ञ से, ओंकार गायत्री के जप से हमारी मेधा, हमारी प्रज्ञा, या मेधाम देव गणः पितरस्य उपासते तया मामध्य मेधा अग्नि मेधा विनम कुरु स्वाहा, ये मेधा के लिए। फिर ये सिरोपिच्चू, ये सिर की मसाज, सिराभ्यंग, फिर त्राटक, जो अपर्णा बेटी कर रही है, इसकी माँ अन्नपूर्णा, जब ये गर्भ में थी तब से योग करना शुरू किया उसने, अपना पूरा साइनस, स्ट्रेस, एंजाइटी सब ठीक किया। और इधर ये सिरोधारा, ये ऐसी विधाएं हैं जो हमारे मस्तिष्क को पुष्ट करती है। पहले सब ओंकार गायत्री की उपासना किया करते थे अरण्यों के बीच में, प्रकृति के बीच में, संस्कृति के जो हमारे सूत्र हैं उनका अनुसरण किया करते थे, इसलिए कोई रोगी नहीं हुआ करते थे। और सब बच्चों से लेकर के बड़ों तक, मैंने देखा एक पूज्य स्वामी भीष्म जी 125 साल की उम्र में भी शीर्षासन किया करते थे। ये शीर्षासन करने का अभ्यास तो सबको होना चाहिए, मस्तिष्क के लिए परम औषधि है। ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, अमित भाई, ये शीर्षासन, और करोड़ों भाई बहन अब हमारे साथ शीर्षासन करने लग गए। जो शीर्षासन करेंगे, जो शीर्षासन सर्वांगासन न कर सके वो अनुलोम विलोम करेंगे। सुबह उठते ही तीन चीजें सबसे महत्वपूर्ण है मस्तिष्क के लिए जी, एक है ओमेगा, दूसरा है मेधावटी मेमोरी ग्रिड, एक एक करके हम इनके बारे में बताएंगे जी। और जो मेधा क्वाथ भी सुबह उठ करके पी ले, कुछ लोग गाय का घी, बटर अथवा वर्जिन कोकोनट ऑयल भी एक चम्मच पीते हैं, वो मस्तिष्क के लिए, वो पूरी बॉडी के कार्टिलेज के लिए, बोन्स के लिए,
वो एजिंग के लिए भी बहुत अच्छा एंटी एजिंग है। जी सर, छोटे छोटे उपाय रोज अपना लें। आजकल जो लोगों का मस्तिष्क सिकुड़ा जा रहा है, डिमेंशिया, अल्जाइमर, फिर पार्किंसन, फिर अलग प्रकार के ब्रेन नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स, मेमोरी लॉस, भूलने की बीमारी, ये कुछ ज़्यादा ही हो गई है। पहले तो बड़ी उम्र में होती थी, अब तो मैं छोटे बच्चों में देख रहा हूँ पार्किंसन। जी स्वामी जी, छोटे बच्चों में देख रहा हूँ मैं ब्रेन और नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स। वो तो स्वामी जी, देखिए बहुत बड़ा कारण उसका ये है कि छोटे बच्चे आजकल इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से उनका जुड़ाव बढ़ गया है, वो आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।